अरे एक तो गाड़ी सीज कर लिए, जानवर को सीज कर लिए, फिर इनके फोना रख लिए, फिर इन लोगों को लाके जेल में बिठा दिए। नहीं एमपी साहब वो सीरियस है, अभय जी साहब मैं वहाँ से आया, सिटी से सुबह 5 बजे से खाना नहीं था हमारे को, बाजार में से यहाँ चढ़ गया। नहीं साहब वो व्यापार है, व्यापार करने वाले हैं, कारोबार करने वाले हैं, कौन करे कंप्लेंट बोलो आप। सदर मोहतरम नसीब मिलत अलहाज बरेश्वर असदुद्दीन ऐसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं और हमारे इंचार्ज जुबलीस के मंजिल से जनाब अनवर सादात साहब और जनाब शरीफ साहब नुमाइंदा कारपोरेटर साबिक ऑप्शन मेंबर जनाब जानी भाई साहब, अहमद भाई साहब और नसीर भाई हमारे सीनियर मंजी से पूरे लोग मिलकर सदर मुहतरम की हिदायत के ऊपर सनत नगर में जो बाज़ार लगता है बाज़ार में आए, और बड़ी अफसोस के साथ मैं कहता हूँ कि पुलिस आ जाकर ये बाज़ार तकरीबन 70-80 साल से यहाँ पर चल रहा है, कोई नया बाज़ार नहीं है, आकर यहाँ पे गेटों को फुकला डाल के तमाशा करें। सदर मोहतरम की हिदायत के ऊपर बाला नगर DC के साथ से मैंने बात किया और यहाँ के जिम्मेदार आज दारुसलाम में आकर हबीब मिल्लत कायद मखनना जनाब मोहतरम मुकाम अकबरुद्दीन ऐसी साहब से पूछे और फौरी मैं और अनवर सादात साहब यहाँ पर आए दारुसलाम से सीधा आकर DCP साहब से हमने बात की। DCP साहब तय फोन दिए कि साहब हर साल जैसा चलता था वैसे चलेगा, कोई गेट बंद नहीं करेंगे, कोई डिशन नहीं करेंगे, क्योंकि सदर मुंतर मुस्तुल आज बरसर साहब यही बोल रहे थे जैसा हर साल चलता है आपको पता वैसे चलेगा, चंद लोग आकर सरंगी भी कर रहे हैं, मगर ये गलत बात है, किसी का भी कारोबार है यहाँ पर, कारोबार करने वाले लोग हमारे हिंदू भाई भी हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, सब लोग मिल के कारोबार कर रहे हैं, तो आगे यहाँ पर डिस्टर्ब करना अच्छी चीज़ नहीं है। मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, साहब ने पुलिस के आला अहदेदारों से बात करके ये मसले को हल करवाए, शुक्रिया खुदा।